गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस जो है वो अब आप लोगों के लिए, हम सब के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ सफारी रिट्रीट डिपार्टमेंट की बात भी समझ ली है और टैक्स पेयर्स की बात भी समझ ली है, यानी कि दोनों के पक्ष में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया है, जिसका डिटेल्ड ऑर्डर जो है पोर्टल पर जल्द अपलोड होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, उसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकली अब यूज कर सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो अभी तक नहीं ले पा रहे थे वो अब आप ले पाएंगे, तो इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हुआ क्या था, सफारी रिट्रीट का जो मैटर था, उड़ीसा के हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर आपने बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग होटल बिल्डिंग है, मान लो आप उसको रेंट पे देंगे, रेंटल पर्पस के लिए देंगे, तो वहां से आप रेंट के ऊपर जीएसटी पे करेंगे। अब जब आप रेंट पर जीएसटी पे करेंगे उस बिल्डिंग के साथ, तो उस बिल्डिंग में लगने वाले मटेरियल का, यानी कि सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस जो उस बिल्डिंग को बनाने में लग रही है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसको लेकर के मैटर गया था हाई कोर्ट में, जहां पर हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन दिया था और 17 5 के क्लॉज नंबर डी को बोला था कि भाई यहाँ पर जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये नहीं रहेगी। अब जब हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया जजमेंट, डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट और उसमें ये दाखिल किया गया या पिटीशन डाली गई कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इस सेक्शन 17(5)(d) को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल के रूप से ये बताया है, तो उसको लेकर के जब पिटीशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि 17(5)(d) जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्रोविजन वैलिड है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करना सही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में लगने वाले मटेरियल और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आईटीसी जो है वो नहीं देना चाहती है डिपार्टमेंट। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3-4 साल के बाद इस पे जो डिसीजन दिया है, इसमें सबसे पहले तो ये बोला गया कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 17(5)(c), अभी मैं आपको दिखलाऊंगा अभी क्या सेक्शन में लिखा है, 17(5)(c) और 17(5)(d) का जो प्रोविजन है क्या वो गैर संवैधानिक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो कही नहीं, ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है प्रोविजन। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है प्रोविजन तो फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिल जाएगा? तो आगे फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात समझाई है कि आपको इसके लिए एसेंशियलिटी ऑफ दैट बिल्डिंग, फंक्शनैलिटी टेस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग वो करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। हर एक केस को अलग अलग फंक्शनैलिटी टेस्ट और एसेंशियलिटी टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। सर ये कौन सा टेस्ट हो गया नया, अभी मैं आपको बताता हूं। चलते हैं पहले स्क्रीन पर और स्क्रीन पर देख करके समझते हैं कि क्या है बेसिकली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वो कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से चीजें जो हैं वो आपको बेनिफिट मिलेगा इस जजमेंट का। क्योंकि फंक्शनैलिटी टेस्ट और असेंशियलिटी टेस्ट में क्या फर्क है, मतलब क्या है ये, इससे क्या समझ में आ रहा है, इस बात को समझिएगा। मान लेते हैं एक पर्सन है एक्स वाई जेड, या फिर इसी केस को ले लेते हैं सफारी रिट्रीट, ठीक है। सफारी रिट्रीट के केस में एक बिल्डिंग जो है वो बनाई गई और इस बिल्डिंग को रेंटल के लिए दिया जाएगा, इससे रेंटल की सर्विसेज आएंगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एसेंशियलिटी टेस्ट, फंक्शनैलिटी टेस्ट लगाया कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर पर्पस निकल के आया कि इससे हम लोग टैक्सेबल सर्विस यानी कि रेंटल की सर्विसेज देंगे, तो इसीलिए इसको हम प्लांट की डेफिनेशन में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही इस बिल्डिंग को प्लांट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, आपके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिस्ट्रिक्शन 17(5)(c) और 17(5)(d) ने लगाया है, अगर हम लोग बात करें
17(5)(c) बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की, जो इस बिल्डिंग को लगाने के लिए ली जाएंगी, और 17(5)(d) बात की जाती है अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ले रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज अलग अलग ले रहे हैं, तो उसके रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो दोनों ही केस में आपके ऊपर जो बिल्डिंग का इनपुट टैक्स क्रेडिट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड, उसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ किया है, ये कहते हुए प्रोविजंस भी वैलिड है और आईटीसी देना भी वैलिड है, सब्जेक्ट टू द फंक्शनैलिटी टेस्ट और असेंशियलिटी टेस्ट। बहुत ही सुंदर जजमेंट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर बिल्डिंग जो है रेंटिंग पर्पसेस के लिए बनाई गई है और उसमें लगने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने से उस बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से रेंटल पर जो जीएसटी लगता है, एक तरीके से टैक्स पे टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो आ रहा था। तो इस जजमेंट के बाद, डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद, आपको एक एक चीजें जो है वहां पर फिर से डिस्कस करके देंगे। अभी मैंने समराइज वे में आपको ये बताया कि ये जो 17(5)(c) और 17(5)(d) का जो ऑब्जर्वेशन आया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल जो है वो भी आएंगे सामने कि भाई रेंटल के लिए तो बिल्डिंग जो बनाई गई उसका तो प्लांट में इंक्लूड कर लिया गया। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री प्रीमाइसेस में मशीनरी रखी हुई है। अब मशीनरी हवा में तो रहेगी नहीं या खुले आसमान के नीचे तो रहेगी नहीं, उसके लिए चार दीवारी बनेगी, उसके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा। क्या उस बिल्डिंग को भी प्लांट के रूप में देखा जाएगा? क्या उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट, क्या उसकी असेंशियलिटी टेस्ट चेक करके उस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा? तो अब आपके लिए एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर जो है ये बन चुका है कि भाई कौन सी बिल्डिंग किस पर्पज के लिए असेंशियल है, किस तरीके से वो फंक्शन करेगी, और उसके बेसिस पर केस टू केस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा। आउटराइट रिजेक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अब वैलिड नहीं है, और उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने वाली बात जो है वो भी वैलिड नहीं। तो आशा करते हैं आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। और इन सब से इतर अगर आपने कोई खर्चा कराया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को लेकर के, भले ही वो बिल्डिंग हो, इन जजमेंट्स को साइड में एक बार रख दें अगर, तो आप अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू बिल्डिंग्स कराते हैं तो आपका उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आईटीसी कोई नहीं छीन सकता अगर आपने उसे कैपिटलाइज नहीं किया है। ये प्रोविजन में ही सारी बातें लिखी हैं। अगर आपको प्रोविजंस की डिटेल्स में जानकारी लेनी है, जीएसटी के एक एक प्रोविजंस को अच्छे से समझना है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको अभी नवरात्रि का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोज जो है आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही साथ साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे आईटीसी जो है अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।